नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम अपड़ू उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजनीति ही नहीं बल्कि पिच पर नहीं बल्कि क्रिकेट की पिच पर भी गजब का खेल दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है अभिमन्यु अकेडमी के मैदान पर। मुकाबला था सीएम 11 और भाजयुमो की टीम के बीच। मैच में सीएम धामी ने नाबाद 14 रन बनाए और इस दौरान वे चोटिल भी हुए। हालांकि मुकाबला सीएम धामी की टीम ने जीता। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है, उसी तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य होता है। आज दोनों टीमों के बीच क्रिकेट का मैच खेला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सतत विकास करना है और अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचना है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के नई खेल नीति लाई गई है और नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। युवाओं को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रणजी और भारतीय टीम में खेलने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद किया। उत्तराखंड के सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं, इस हेतु मैं चाहता हूं कि आप सबके सुझाव हमें किसी न किसी रूप में मिले। इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम बना रहे हैं और मैं जानता हूं क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की जरूरत की मांग थी कि आपका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने कोशिश की और मैंने ये भी कहा ग्राम प्रधानों का बीच में दो जगह पर सम्मेलन हुआ, एक देहरादून में और एक दूसरे में। दोनों जगह पर हमने कहा कि क्योंकि जितना भी समय मुझे मिला है मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं जो सीधे सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं और जनता और सरकार के बीच में कड़े का काम भी आप लोग करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं और सबसे ग्राम उदय हो या ग्राम सभा हो, हमारी पंचायतें हैं या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को उन सबके बीच में और सरकार के बीच में सेतु का कोई काम करता है तो आप सपोर्ट करते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अश्विनी पांडे ने कहा कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू हो चुका है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक जिला पौड़ी की 3 विधानसभा सीटों पर दावेदारों की तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशी चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी दावेदारों की हाजिरी हो चुकी है। आरक्षित सीट पौड़ी से टिकट के लिए 13 दावेदारों ने अपने दावेदारी पेश की। चौबट्टा खाल के लिए पार्टी को 7 आवेदन मिले जबकि श्रीनगर सीट पर सिर्फ 2 आवेदन मिले हैं। इस क्रम में कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुंचेगी। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन हो, जिसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट की है। डीजीपी का कहना है कि राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं और अक्सर देखने को मिला है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से भी उपद्रवी राज्य में पहुँचते हैं। इन पर रोक लगाने के लिए मतदान का दिन एक ही होने से राज्य को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं और साथ ही चेकिंग के लिए भी अब बॉर्डर पर पोस्टें भी बननी शुरू हो चुकी हैं। हम तो
कोशिश, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हो हमारा सेम डे चुनाव। तो यूपी का जो बॉर्डर है दो टुकड़ों में होता है, एक एक टुकड़े मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं उत्तराखंड के दो मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से बेहतर करने के दावे कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने बताया कि बीजेपी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रदेश नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ स्टार प्रचारकों को भेजेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बीजेपी के सामने कुछ नहीं है और जनता जानती है कि धड़ों में बटी कांग्रेस प्रदेश में शासन करने के लिए काबिल नहीं है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनावों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाएगी, ना कि बीजेपी से पूछकर। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में एक एक बड़ी सभा और वहाँ पर तो स्वागत के कार्यक्रम, छोटी सभाएं, ऐसे करके लगभग हमारी जो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके हर कोने तक हमारी विजय संकल्प जो यात्रा है वो चल रही है और उसमें हमारे केंद्रीय नेता भी शामिल हैं, प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल हैं और उस पार्लियामेंट्री सीट के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। यानी एक मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र तक जुड़ने का काम हम विजय संकल्प यात्रा के द्वारा कर रहे हैं और सभी 70 की 70 विधानसभाएं कवर हैं। 70 में 700 भेजे, कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया बीजेपी को कि यहाँ मत भेजो? कांग्रेस अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करती है और अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करेगी। इसने कहा था कि हमने अपने हिसाब से राहुल जी को यहाँ पर बुलाया और एक ऐतिहासिक रैली जो है राहुल जी की यहाँ पर हुई, ठीक है, हम बीजेपी के कहने से हमने कराए। इसलिए जो है ये कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ती है और अपनी स्ट्रेटजी से चुनाव प्रचार करती है। क्या स्ट्रेटजी है कुछ बताना? नहीं, स्ट्रेटजी क्या, स्ट्रेटजी तो बनती है और उसी के अनुसार काम होता है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटे। में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर वन का उत्तराखंड हो। 19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है, इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानंद छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, मेरा उत्तराखंड हो नंबर वन। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए, अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देहरादून के परेड मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर की रैली के बाद से कांग्रेस में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदेश ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की रैली में उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन देखने को मिला। रैली स्थल पर हर तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसे देखकर राहुल गांधी भी बेहद खुश नजर आए। और राहुल गांधी की रैली के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। नहीं देखिए, भव्य रैली का आप प्रदेश की जो जनता है इतना अपार समर्थन उस दिन मिला है। हम भी कई रैलियों में गए हैं, राहुल जी की भी रैलियों में गए हैं। एक अभूतपूर्व प्रत्याशित वहाँ पे जनसैलाब उमड़ के आया हुआ था और बाहर गेट बंद करने पड़े उस मैदान के कि और लोग एंट्री ना करें, क्योंकि अंदर लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जितनी भीड़ मैदान के अंदर थी उतनी ही भीड़ आप मैदान के बाहर भी समझिए। वहाँ पर हम लोग कई घंटे अंदर बाहर घूमते रहे देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए। तो बहुत अभूतपूर्व एक जनसैलाब उमड़ा था और साफ संकेत ये है कि कांग्रेस पे फिर से भरोसा जनता का आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से सड़क से सदन तक लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ, तो प्रदेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों पे और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रकार से लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई का साहस समझते हुए और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में जो कार्य हुए उन कार्यों को समझते हुए कांग्रेस के प्रति फिर से अपना रुझान और अपना मन बना चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार कोटद्वार पहुंचे, जहां पर लोकसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कहा। इसी दौरान गढ़वाल प्रभारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 2022 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा देश डबल इंजन की सरकार से त्रस्त है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि डबल इंजन के नाम पर उत्तराखंड को बीजेपी के द्वारा छलने का प्रयास किया गया और जिसको उत्तराखंड की जनता भली भांति समझ चुकी है। बीजेपी ने देश को हसीन जुमले दिखाते हुए महंगाई चरम पर पहुंचा दी है। वहीं महिलाओं के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की चीजें आम जनता के लिए खरीदना एक सपना सा लगने लगा है, जिसका जवाब देने के लिए अब उत्तराखंड की जनता तैयार बैठी हुई है और कांग्रेस को अपनी आस भरी निगाहों से देख रही है। जनता भी समझ चुकी है कि देश और प्रदेश को केवल कांग्रेस ही विकास के पथ पर ले जा सकती है। हम पूरे उत्तराखंड में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं आऊंगा। अब आने वाले दिनों में 2/3 मेजोरिटी आएगी इस काउंसिल का। आसन किया आपने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कैसे वहाँ पर आइकॉन बनी है महिलाओं की। उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ सकती हूँ। तो आज महिलाएं जो है वहाँ पर जो टिकट के लिए भी आ रही हैं, यहाँ भी महिलाओं मैंने देखा है काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और वो महिलाएं आ रही हैं जो सशक्त दावेदार हैं, और निसंदेह यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी जरूर होगी आने वाले चुनावों में, आने वाली विधानसभा सीटों में। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव प्रभार प्रचार अभियान के प्रमुख हरीश रावत पार्टी अलाकमान के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा घोषित करने के हिमायती हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होमस्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होमस्टे
लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबोहवा के बीच बने होमस्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से ओमिक्रॉन के मरीज मिलने की खबरों का स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने खंडन किया है। डीजी हेल्थ ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक भी ओमिक्रॉन का मरीज नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी जिलों के सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के अस्पतालों में बेड बढ़ाने के साथ साथ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्टेट बोर्ड्स पर भी पुलिस के साथ साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले सभी लोगों की लगातार टेस्टिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। आज की अभी तक के डेट पे कोई भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं है, और हमारी जीनोम सीक्वेंस हर पॉजिटिव पेशेंट की जो आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं उनकी हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बैतूल अस्पताल में जाता है। तो आज तक की डेट में तो कोई पॉजिटिव नहीं है, जैसे जैसे रिपोर्ट आती रही तो आप लोगों को पता। क्या बेहतर तैयारी क्या है स्वास्थ्य विभाग की? जी, हमारी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। हम यदि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात करें, या हम आईसीयू की बात करें, या हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करें, या हमारे पीसीए प्लान की फंक्शनैलिटी की बात करें, तो ये सब हमारे चल रही हैं। और हमारी बीच बीच में हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं, हमारे सचिव सर भी लेते हैं, हमारे लेवल से सीएमओ की भी होती है। तो सारे लोग हम एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को यही हमारा बार बार यही इंस्ट्रक्शन जाते हैं। हमारे सचिव सर सचिव स्वास्थ्य का भी यही इंस्ट्रक्शन जाता है कि हम लोग जो हैं पूरी तैयारी करें और हमारी हर इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी बनी रहे, और सारे जो हम लोग अभी जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ में ट्रेन रहें, तो जिससे कि पीएसए प्लांट भी हमारा चलता रहे, हमारे ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर है वो काम करते रहे, वेंटिलेटर हमारे। आज़ादी को लेकर पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज अल्मोड़ा के संग्रहालय में स्मरण महोत्सव मनाया गया, जिसमें कुमाऊं के आज़ादी के रणबांकुरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत आज़ादी के 75वें वर्ष का मनाने जा रहा है। ये पूरा वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यातनाएं सही, जेलों में गए और कुर्बानी दी, उनको याद करने का भी दिन है। और ये आज़ादी हमें कोई उपहार में नहीं मिली, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सेनानी ने आज़ादी की बलबेदी पर अपना सब कुछ निछावर किया और सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमको मुक्त कराया। उनमें महान जो विभूतियाँ थी उसमें हमारे, अगर माना हम सुभाष चंद्र बोस जी को ले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे बीच में भगत सिंह आज़ाद जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, और इसके साथ ही साथ हमारे कुमाऊँ का भी बहुत बड़ा इतिहास, उत्तराखंड का बड़ा इतिहास रहा है। न केवल जैसे हमारे भारत रत्न पंडित गुरुलाल पंत जी, हरभजन पंत जी और देवीदास जी, विक्टर मोहन जोशी जी
जैसे महान श्रद्धा सेनान सेनान यहाँ पर रहे, इतना ही नहीं बल्कि हमारे कुंती देवी वर्मा जी, विष्णु देवी जैसी महिलाओं ने भी अंग्रेजों का सामना किया। देश है विदेशी और आत्मा से भारतीय, श्री सरला बहन जी हमारे जो हमारे कौशानी में रहती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये आज़ादी हमको उपहार में नहीं मिली, इस आज़ादी को पाने के लिए देश के सैकड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गरीब लोगों को कंबल बांटे। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र में दून अस्पताल चौक और रेलवे स्टेशन फुटपाथ में रह रहे व्यक्तियों को कंबल वितरित किए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को चौराहे और प्रमुख स्थानों पर जहां लोग फुटपाथ पर खड़े रहते हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग सड़कों और फुटपाथ पर रह रहे हैं उनको रैन बसेरों में रखा जाए ताकि शीतलहर से लोगों को बचाया जा सके। कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से खनन कार्य होने पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार से पोकलैंड मशीन को बंद करने की मांग की और सरकार पर बाजपुर के खनन कारोबारियों के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर में कोसी नदी के समीप कोसी कांठे पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टर एकत्रित हुए, जहां ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के इशारे पर कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्ण तरीके से विरोध है क्योंकि इन पोकलैंडों की चलने की वजह से हमारा यहाँ का निजीकरण, यहाँ के छोटे छोटे लोगों का जो निजी काम थे खनन के द्वारा, वो सब ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। क्रेशर वाले जो है वो हमारा माल ले ली रहे, यहाँ का लोकल का माल, ना रॉयल्टी कट रही है कोई ना माल ले रहे हैं। तो ऊपर का क्या है जी, ऊपर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती भी गवर्नमेंट सरकार किस वजह से इनको परमिशन देती है पहाड़ खोदने के लिए। क्या पर्यावरण से इतनी नफरत होगी सरकार को कि ऊपर पहाड़ खोदो, या वहाँ से माल पहाड़ खोदते हैं, यहाँ क्रेशरों पर माल फेंकते हैं, यहाँ से मिट्टी ला के फिर वो गड्ढे भरते हैं अपनी रिपोर्टें के लिए क्लियर करने के लिए। इतने बुरे हाल कर दिए हैं यहाँ के सरकार ने हमारे यहाँ के लोकल लोगों के कि यहाँ का हमारा काम जो है लगभग जो है 90% लोगों का खनन पर डिपेंड करता है, चाहे मार्केट भी है, बाजार, शहर बाजार, वो भी यहाँ के लोकल लोगों से काम करता है। अब यहाँ का माल जब ऊपर से माल आएगा तो यहाँ हमारा माल क्यों लेंगे भाई? वो वजह क्या है, कहते हैं ऊपर वाले माल में जो है 80% पत्थर आ रहा है, जब आप पहाड़ खोदोगे तो उसमें 80 का 90 भी आएगा। अब यहाँ माल जो ऊपर से बह के आएगा तो वो थोड़ा थोड़ा छोटा पत्थर, बजरी, रेता, सब तरीके का माल है यहाँ पे आएगा, इसको वो पसंद नहीं करते क्रेशर वाले, कहते हैं ऊपर वाला माल आ रहा है, सस्ती रॉयल्टी आ रही है, वो एक एक रॉयल्टी पे कई कई तो चक्कर मारते हैं पूरे दिन में, और निरा ही सरकार का वो मतलब जो जिसे राजस्व कहते हैं उसकी हानि हो रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुँच रहा। अब इकट्ठा पहुँच गया होता हमें उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लोगों के लिए लोकल लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई ये मेरा अकेले का काम नहीं है, यहाँ हर एक छोटा छोटा वर्कर, जो कोई भराई करने वाला है, कोई लेबर वाला है, कोई ड्राइवर है, हर एक बंदा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गांव में नवनीत राठी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम विधूड़ी जनसभा में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। कहते ना, हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या, दिल्ली दूर थोड़ी है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई है ये भी यहाँ लागू करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जमान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है, यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है, यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी की एक खासियत है, अभी जैसे मैंने इसमें भी बताया है, यहाँ के विधायक तो पता नहीं कभी मुख्यमंत्री से जाके मिले ना मिले, लेकिन हर महीने हमारी रिव्यू क्लास लेते हैं खुद ही, क्या भाई इतने विधायकों का इस दिन का टाइम है, आप इस टाइम आओ, आपके यहाँ क्या काम पेंडिंग है, क्या हो गया है। तो जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी का मुखिया हर महीने अपने विधायकों के साथ क्लास ले और उनका वर्क चेक करे, तो ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान ना हो।
दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप मीडिया बंदों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सही चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी जो बात है, हमारी जो योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। देखो, बस एक चीज़ जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पर देखा और सब ने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ जब हम लोग जाते हैं, हमारे इस सभा में भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य के बारे में बात सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक आंदोलन की तरीके से मंगलौर विधानसभा में काम हो रहा है और हमारा जो एक समूह है, हमारा जो एक आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप है, वो बढ़ता ही जा रहा हर गाँव में हमारा काम। उत्तराखंड में 24 दिसंबर से मौसम बदलने जा रहा है। इस साल क्रिसमस पर प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में, खासकर यूएस नगर और हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दोनों जिलों में कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 और 23 दिसंबर को शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पाला मुश्किलें पैदा करेगा, इसलिए मौसम विभाग ने 23 तक येलो अलर्ट को बरकरार रखा है। उत्तराखंड में काफी समय से मौसम शुष्क बना हुआ है। 24 दिसंबर से बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। औद्योगिक स्थान कालेश्वर में भूखंडों के ऊपर से विद्युत लाइन हटाने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आपदा के बाद औद्योगिक क्षेत्र की लाइन को गांव की लाइन से जोड़ने के कारण विद्युत आपूर्ति में हो रही समस्या पर औद्योगिक संस्थान की लाइन को अलग करने के लिए कहा। यूपी राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर की ओर से औद्योगिक स्थान में ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने के बावजूद इसको सुचारू न किए जाने और ड्रेनेज के लिए नाली निर्माण का कार्य अधूरा होने से जल निकासी की समस्या पर जिलाधिकारी ने एक महीने के भीतर ट्रीटमेंट प्लांट को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।